so these are some of the posts i will say that is cook uh, driver uh, ldc lower division clerk uh, this fatigue man mts groundsman okay groom and this equipment repairer repairer this mts messenger and laboratory attendant okay so these are some of the posts yeah and other than this so uh, this is uh for post you can see this uh, the pay scale so pay scale office check second total post is this uh, 12 for this uh

टेंथ पास चाहिए सभी में एंड जो भी आपका काम है यू शुड बी एबल टू कैरी आउट दैट वर्क ओके अगर ड्राइविंग के काम है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ठीक है एंड कुकिंग का काम है ठीक है तो आपको उसकी नॉलेज चाहिए वन ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको जैसे ये कोई पोस्ट है तो कहीं पर वन ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ठीक है कहीं पर आपको ऑलरेडी काम आता हो ठीक है अदरवाइज मैट्रिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टेंथ पास होना चाहिए यहाँ पर ठीक है तो आप जितना भी देख सकते हैं ठीक है एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए साइंस एज अ कम्पल्सरी सब्जेक्ट हो मैट्रिक में आपके पास ठीक है एंड uh, उसके बाद अदर uh, डिटेल्स भी दे रखी हैं एंड काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उसमें जो ड्यूटी रहेगी वो आपकी शिफ्ट में रहेगी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी इसमें ठीक है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एज लिमिट अठारह से सत्ताईस साल ठीक है फीस कितनी है सो दैट इज फिफ्टी रुपीज एंड हाँ जी स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन तो रिटर्न टेस्ट रहेगा इसमें स्किल टेस्ट रहेगा तो इसमें रीजनिंग रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगा इंग्लिश रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आर दिस ठीक है तो जीके और इंग्लिश में पचास पचास क्वेश्चन रीजनिंग और इंग्लिश में रीजनिंग uh, 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 इसमें रीजनिंग और आपका क्वांट में पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज टू आवर्स तो जो आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा वो बाइलिंगल रहेगा एंड uh, इसमें इंग्लिश और हिंदी रहेगा ठीक है इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्जाम आएगा

ठीक है तो यूर पी पे ऑलरेडी प्रेजेंट है आप यूर पीडिया का हेल्प ले सकते हैं इसमें एंड अंडर ई एस कैटेगरी आपको ये डेक्लरेशन फॉर्म देना पड़ेगा ठीक है एंड इसके अलावा जो जनरल इंस्ट्रक्शन हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इसमें एंड

ये ओबीसी कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन है ये परफॉर्मा है एप्लीकेशन का ओके सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस तो आपको ये सारा इसमें भेजना है ठीक है एंड आपको डिटेल्स फिल करनी है अपनी जो सर्टिफिकेट्स की कॉपी है वो वो सेंड करनी है तो ये सारा कुछ आपको में जो परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन है ठीक है इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल के इसे फिल करके आपको ये सेंड करना है और साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है अपनी फोटोग्राफ्स लगानी है और आपको यहाँ साइन भी करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको इसे सेंड करना है ठीक है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ठीक है कहाँ से न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो ये सारा आपको चाहिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए डेक्लरेशन है ठीक है एंड एक्स सर्विस मैन के लिए भी डेक्लरेशन है ओके सो फ्रेंड्स ये था अपडेट मेरी तरफ से ठीक है तो जो भी इसमें एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें जो इसमें मैट्रिक चाहिए ठीक है एंड इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपका कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है तो स्केल है जो ग्रुप सी लेवल में जो स्केल होता है वो ही यहाँ पर स्केल ही ऑफर कर रहे हैं ओके सो इन केस व्यू आर इंटरेस्टेड तो आई विल से कि आप जरूर अप्लाई करें ठीक है एंड इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा सो आई थिंक फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा ओके सो कीप वॉचिंग योर पीडियो जॉब अपडेट एंड प्रेपरेशन थैंक्स वंस अगेन